ये चेक करें भाई, माशाल्लाह जी कितनी खूबसूरत है यार। तो लोड करने के लिए लेके आ रहे हैं। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। ये देखो पंच फेस है, गुलाबी मुंडी वाला भैंस भी है। होए 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 होए, क्या जानवर हैं भाई। देखो ये वाला, देखो लगाओ बेटा लगाओ हाथ। ये भी दोनों भाई हैं। ये क्या चीज़ है भाई, ये देखो इसकी दाढ़ी भी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा आप सबको पता है भाई, ईद का सीज़न आ चुका है, बकरा ईद आ रही है। तो आज हम फैमिली के साथ जा रहे हैं मंडी। तो हम जिस मंडी पे जा रहे हैं वो है भाई जमील मेमन। जमील मेमन में चलते हैं और वहाँ पे चल के देखते हैं कौन कौन से जानवर अवेलेबल हैं वहाँ पे और क्या माहौल है इस टाइम, वो आपको चल के दिखाते हैं। और ये मुन्नी भी है यहाँ पे, मुन्नी भी जा रही है। मुन्नी पान खा रही है? नहीं, मैं अंदर की फिलिंग खा रही हूँ। अच्छा, फिलिंग खा रही है, पत्ता नहीं खा रही है? पत्ते नहीं खाती भाई, खा लिया। तो अब हम जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या सीन है जमील मेमन में। भाई अभी हम आ चुके हैं, ये पीएसओ का पेट्रोल पंप है। इस पेट्रोल पंप के आगे ही जो है ना जमील मेमन का रास्ता आता है। अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, जानवर वानवर लोड करके लेके जा रहे हैं। तो और हम अभी चलते हैं जमील मेमन की तरफ, देखते हैं अंदर क्या सीन है। रौनकें लगी पड़ी हैं भाई, ईद है इधर, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं लोगों की, अंदर जो है ना जगमग हो रहा है। लेकिन ये जमील मेमन का अपना वो बंद है बोर्ड, जो मेन एंट्रेंस है जमील मेमन के, अंदर दाखिल हो रहे हैं हम। देखते हैं मंडी में सीन क्या है भाई, चलते हैं आगे मंडी की तरफ। यहाँ पे तो बड़े बड़े कैटल फार्म है, लेकिन हम चलेंगे मंडी की तरफ। अभी दरवाजे खोल दिए हैं लोगों ने कैटल फार्मों के, आप जा सकते हैं, जानवरों का विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं जानवर। भाई सामने ही जो है ना वो मंडी है, बिल्कुल आपके सामने भाई। ये पूरी सोसाइटी जो है ना जमील मेमन, इसमें सिर्फ कैटल फार्म ही कैटल फार्म आपको नज़र आएंगे, बड़े बड़े कैटल फार्म, नामी गिरामी जानवर जो होते हैं ना वो इस जमील मेमन सोसाइटी में आपको नज़र आते हैं भाई। यहाँ हर तरफ जो है ना आपको कैटल फार्म नज़र आते हैं। यहाँ पे देखें ये जानवर हैं, फैसल कुरैशी, बिलाल कैटल गोट फार्म। इधर चल के देखते हैं भाई साबरी पे, साबरी पे धुम्बे वुम्बे भी रखे हुए हैं इन्होंने, माशाल्लाह। ये चेक कीजिए, चलो अंदर चल के देखते हैं भाई। देख लो भाई ये तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है, एक से बढ़ के एक जानवर है भाई। साबरी कैटल के जो है ना जानवर हैं ये, देखो अश्वा कितनी बहादुर हो गई है। वाह वाह क्या बात है, कैसा लगा रहा है बेटा? और वो वाला क्यूट है ना। ये देखो भाई ये बकरी का बच्चा, देख करो छोटा सा, और ये छोटे छोटे बछड़े, गाय बछिया हैं बछड़े। अंदर भी चल के देखते हैं, वो देखो भाई ये कौन सा है, वो बड़े सिंह वाला चांद बेल है। कितने मांग रहे हैं पैसे? 125 लाख रुपए। 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये देखो भाई जानवर, ये देखो चांद बेल भी है इधर, 25 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं उसकी। वो बकरे देखो यार माशाल्लाह, क्या बकरे, सफ़ेद बकरे हैं बिल्कुल, कान देखो प्यारे प्यारे खूबसूरत बकरे हैं। रौनक लगी हुई है भाई फार्म के अंदर ना जमील मेमन में।
हर तरफ आपको लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं, जानवर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे जानवर हैं। खड़े कर दिए भाई ने, ये चेक करो भाई, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जानवर जो है ना प्यारे प्यारे जानवर हैं, बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत जानवर हैं, इसको चेक करो। बछड़े भी हैं, बछड़ियाँ भी हैं, भाई ये एक जानवर है, इसकी लोडिंग हो रही है, लोडिंग भी दिखा देता हूँ मैं आपको। माशाल्लाह जी प्यारा जानवर है, इसको लोड करने के लिए लेके आ रहे हैं। अभी दिखाते हैं आपको इसकी लोडिंग, मस्तियाँ कर रहा है भाई, लोड नहीं हो रहा, अभी गाड़ी पीछे कर रहे हैं, अभी ये लोडिंग हो रही है, गायें जो है ना लोड कर रहे हैं, और ये लोड हो गया जानवर भाई। ओ ये क्या चीज़ है भाई, ये देखो इसकी दाढ़ी भी है, यार जमील मेमन में तो जो जानवर है ना, क्योंकि फार्म है इधर सारे, तो फार्म के पले हुए जानवर है, फार्म के हिसाब से जो जानवर होते हैं ना वो काफ़ी हैवी किस्म के जानवर होते हैं, और जो रेट होते हैं वो भी काफ़ी हैवी होते हैं फार्म के पले हुए जानवरों के, और जो दूसरी जो मंडियाँ होती हैं वहाँ के जो जानवर होते हैं उनके थोड़े से रेट कम होते हैं। आप यहाँ पर हर साइज़ के छोटे भी हैं बड़े भी हैं, ये देखो ये छोटे छोटे जानवर भी हैं यहाँ पे, लेकिन ये आप अपने माइंड में रखना कि यहाँ के जो रेट हैं वो थोड़े से जो है वो नॉर्मल मंडियों से हाई ही होते हैं। काफ़ी सारे जानवर हैं भाई ये फार्म पे जो है ना, अच्छे अच्छे खूबसूरत जानवर हैं, भैंसे भी हैं यहाँ पे, बकरे भी हैं, ये चेक करो भाई, बकरा चेक करो, साइज चेक करो इसका, माशाल्लाह चेने नहीं पहनी हुई है भाई, ये वाले चेक करो भाई माशाल्लाह, दो भाई ट्विन, ये काफ़ी अच्छा हैवी ड्यूटी जानवर है, वाह भाई वाह माशाल्लाह, ये देखो पंच फेस है, बहुत खूबसूरत जानवर है, 8 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं इसकी भाई। ओए होए 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 क्या जानवर हैं भाई माशाल्लाह, एक से बढ़ के एक, ये देखो ये वाला देखो, खूबसूरत खूबसूरत बछड़े बछड़ियाँ, किसको शरीफ लग रही है मारेगी, लगा लिया आप पीछे नहीं जा, पीछे से लात मारते बस भाई, ये सौदा चल रहा है भाई इनका, गाय बछड़े लगाओ बेटा लगाओ आप, कुछ नहीं करेगी ये बछड़ी है, ये कुछ नहीं करेगी, ये लगा लिया भाई असवाल का, माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत प्यारे जानवर हैं, और ये वाले देखो पीछे डायमंड, ये भी दोनों भाई हैं भाई, जमील मेमन में भी काफ़ी जो है ना सौदे वौदे चल रहे हैं, जानवर लोड भी हो रहे हैं जा भी रहे हैं, और यहाँ के जानवर ये हैं कि फार्म के पले होते हैं ना तो काफ़ी थोड़े भी अच्छे होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं, फिर खूबसूरती के हिसाब से फिर पैसे भी इनके खूबसूरत ही होते हैं।
भाई ये देखो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे खूबसूरत जानवर हैं, जमील मेमन के जानवर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज हम आए हैं भाई फैमिली के साथ, तो ज़्यादा मैं आपको कुछ वो नहीं कर रहा। और ये वाला चेक करो, बड़े वाले तो अभी देखे ही नहीं है ना तुमने, ये तुम्हें बड़ा लग रहा है। हाँ। इस तरफ आगे देखोगे ना और भी बहुत सारे जानवर हैं, ये देखो ये थोड़े छोटे भी हैं यहाँ पे, ये देखो काफ़ी सारे जानवर हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत जानवर हैं। लेकिन मसला ये है कि कीचड़ बहुत है भाई यहाँ पे, कीचड़ आपको यहाँ पे हर जगह मिलेगी, मंडियों में तो यही होता है। ये जानवर बहुत खूबसूरत है, उधर देखो बच्चा एक जानवर घुमा रहा है, काफ़ी खूबसूरत जानवर है ये चेक करें भाई माशाल्लाह जी कितनी खूबसूरत है यार। और ये वाले चेक करो, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत जानवर हैं। और काफ़ी प्यारे प्यारे जानवर हैं, वो जो है ना वो बहुत खूबसूरत जानवर है, बहुत खूबसूरत है, गोल्ड स्टार। अरे लेकिन गुस्से वाला है भाई, लेकिन उसके गले में रस्सी नहीं है। जब ये आइसक्रीम ले रहे हैं, तीन ये ले लिया हमने ना, पॉप्सिकल्स ऑरेंज वाले बर्फ वाली आइसक्रीम वॉल्स से ले लेंगे। आइसक्रीम ले लिया, अभी चलते हैं गाड़ी में चल के आइसक्रीम खा लेते हैं ना। तो जनाब ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो जो कि हमने जमील मेमन की मंडी की बनाई है, और यहाँ पे आपको जानवर वगैरह दिखाए। अभी तो इतना ज़्यादा हमने जो है ना वो इस वीडियो में डिटेल नहीं दी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा मंडियों की। और यहाँ पे भी देखें काफ़ी अच्छे अच्छे खूबसूरत जानवर हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।